हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और हैप्पी होंगे। तो पहले तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह के मतलब बज रहे हैं 9:30 और मैं 9:30 बजे अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज ना मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, बहुत ज़्यादा काम करने हैं। तो अभी ना मैं मतलब यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ, तो ये जो मेरे ना कुर्ते होते हैं मतलब इनको ना मैं हाथों से ही धोती हूँ। मतलब जो मेरे बाहर जाने वाले के कुर्ते होते हैं ना, तो मैं उनको ना हाथों से ही धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना बस सर्फ डाल के पानी में हाथों से ही इनको रगड़ रही हूँ, क्योंकि मशीन में धोने से ना तो कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और फिर ना दूसरी बात यह है कि ना कलर वाले कपड़े होते हैं तो वैसे भी सारे कलर में हो जाते हैं कपड़े। तो ये जो मेरा ग्रीन सूट है ना, ये कलर छोड़ता है, मतलब ग्रीन सूट कलर नहीं छोड़ता है, इसका जो दुपट्टा है ना वो कलर छोड़ता है। तो इस वजह से मैं हाथों से ही धोती हूँ इनको, और बहुत अलग अलग करके मैं कपड़े धोती हूँ ताकि मतलब कलर ना लगे। तो बस अभी यही था। अभी मैं ना मतलब सुबह नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मम्मी पापा को नाश्ता करा दिया, तो सोचा अभी ये सो के उठे मतलब उठे हैं तो मैं पहले जल्दी से कपड़े अपने जो ये दो 3-4 जोड़ी हैं इनको मैं धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे और भी काम करने हैं, तो पहले कपड़े धुल जाएं, बाकी फिर और काम बाद में करूँगी। क्योंकि ना आज मम्मी का व्रत भी है, और आज मम्मी ने व्रत रखा हुआ, तो और भी मतलब उनका खाना वाना भी बनाना है दोपहर को 3-4 बजे। तो बस अभी पहले यहाँ से जल्दी से काम हो जाए, तो फिर उसके बाद मेरे को सफाई भी करनी है, और फिर अगर ये नहा लेंगे तो फिर इनको नाश्ता भी देना है। तो बहुत ज़्यादा काम है आज, तो इसीलिए मम्मी का व्रत की वजह से ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। और अभी पूरा घर भी साफ करना है, तो पहले मैं यहाँ से ये टेबल डाइनिंग टेबल साफ़ कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद ना सोचो जल्दी से सफाई हो जाएगी तो फिर मैं नहा लूँगी। अभी मम्मी बाहर गई है, तो पहले ना मैंने मतलब पापा जी को नाश्ता करा दिया था, मम्मी का तो व्रत था तो मम्मी आज कुछ खाएगी नहीं। तो फिर उनको 3-4 बजे बोल रही थी कि चावल बनेंगे, तो उनके जो वो चावल है वही बनेंगे। तो अभी यहाँ से मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और कमरों में ना मैंने मतलब कर ली थी पहले ही सफाई, आंगन और किचन की रह रही थी, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। जल्दी जल्दी झाड़ू लग जाए, फिर उसके बाद आज ना मतलब थोड़ी इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, ये भी मतलब दवाई खाए थे ना, तो फिर उसके बाद ये मतलब सोए सोए जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा लेट ही उठ रहे हैं। 2-3 दिन से ना इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वही वायरल चल रहा है, तो बुखार बुखार खांसी वासी हो रही है इनको, तो उसकी वजह से थोड़ा परेशान हो रहे हैं। आज ना काम भी मेरा ना बहुत लेट हो गया है, मतलब लेट क्या, मेरा रोज़ ही लेट हो जाता है। होता है ना एक मतलब रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है, हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी तो यही रहती है, घर में नए नए काम निकलते ही रहते हैं। तो बस अभी जल्दी से सोच रही हूँ सफाई हो जाए। आज मेरे को मार्केट भी जाना था, लेकिन अभी आज नहीं जाऊँगी, अब इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर बाइक वाइक चलाने में थोड़ी इनको दिक्कत होगी, तो फिर आज नहीं जाऊंगी, सोची कल चली जाऊं, क्योंकि आज काम भी ज़्यादा है तो टाइम मिलेगा नहीं शाम तक। मम्मी का फिर व्रत भी है, तो उनको टाइम पे सब चीज़ें देनी है इस वजह से। तो यहाँ अभी मैंने झाड़ू लगा लिया, किचन तो मतलब मैंने अभी साफ कर लिया है, क्योंकि जो व्रत का सामान होता है ना, मतलब जो खाना बनता है, तो उस टाइम ना किचन पूरा साफ़ रहना चाहिए, घर वर साफ़ रहना चाहिए। तो मम्मी वही बोल रही थी कि तुम पहले नाश्ता वास्ता बना लो, फिर अच्छे से मतलब किचन विचन साफ़ कर देना, आंगन वांगन मंदिर वाला रूम भी। तो बस उसी में ही लगी हुई हूँ अभी। और ना अभी मैंने गैस वैस अच्छे से ना उसको मांझ लिया है, मतलब कपड़े से नहीं साफ़ किया है, मांझ लिया, टाइल्स वाइल्स सब साफ़ कर दिया मैंने। और मम्मी के जो बर्तन मतलब व्रत वाले बर्तन होते हैं ना, वो तो मम्मी मतलब अलग ही रखती हैं, तो उनको भी मैंने अभी धो के रख दिया है। तो बस अभी इसके बाद फिर मैं नहाऊँगी जाके, फिर ये उठ जाएंगे, मतलब
उठ तो गए ही हैं, फिर अभी नहाने जा रहे हैं, तो फिर अभी उसके बाद ये देखो ये ना इसका निकल गया है, ये पोछे का ये ना निकल जाता है वो, मतलब इसका नट जो है ना वो लूज़ हो रहा है, तो वही मैंने अभी टाइट कर दिया इसको, तो फिर अभी बस पोछा लगा रही हूँ। कमरों की तो मैंने पहले ही अभी सुबह सफाई कर ली थी, पंखा चलाना भूल गई थी मैं, तो जल्दी से सूखता नहीं है, जल्दबाजी में ना बस ऐसे काम होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा ली हूँ और नहा के बस अभी बस नाश्ता लेके आई हूँ, और ये है नाश्ता। आज मैंने बनाए हैं आलू और लोबिया की सब्ज़ी, तो आलू और लोबिया की सब्ज़ी बनाई है और उसके साथ मैंने पराठे बनाए हैं, तो आप भी खा सकते हो अगर आपको नाश्ता नहीं किया है तो बस अभी यही था। और मेरे को ना अभी पसीने आ रहे हैं, आपको दिख रहे हो तो मेरे पसीने, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम अभी, और आज ना इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, ये बैठे हुए हैं आज। कैसी तबीयत है? आवाज़ भी निकल गया, इनको ना खांसी जुकाम हो गया था और उसकी वजह से ना मतलब बुखार बुखार सा भी हो रहा है, बुखार जैसी हो रही है। इन्होंने क्या किया ना, हम ना अभी 2-3 दिन पहले बाहर गए थे, तो गाड़ी में मतलब गए थे, मम्मी पापा के साथ गए थे हम, तो ये ना उस टाइम पे मतलब धूप भी इतनी हो रही थी और गर्मी में आए थे, पसीने में नहाए हुए, और इन्होंने क्या किया ना कि नहा लिए आके, मतलब पसीने में पहले ही नहा रहे थे और आके फिर नहा लिए, तो पसीने में नहाने से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। हाँ जी सर, कैसे हो गए हो ना? ठीक नहीं है, इतना भी नहीं हुआ है, तो इनकी हो गई है तबीयत ख़राब, जल्दी से ठीक हो जाओ। पता है मतलब जुकाम होता है ना तो एकदम पूरा बदन टूट जाता, वो वाली इनकी हालत हो रही है, तो अभी दवाई वाई लेके आए थे तो ठीक है। अभी तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर करूँगी मैं आपसे बात जल्दी से। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और अभी ना यहाँ पर मैं मम्मी के जो व्रत का खाना है वो बना रही हूँ। तो ये जो चावल है ना, इनको फरारी चावल कहते हैं, तो अभी ना मैंने इनका ना अच्छे से धो के गैस पे चढ़ा दिया है, तो ये जो इसका येलो येलो पानी आ रहा है तो इसको मैं ना चेंज कर दूँगी पहले, क्योंकि ये जो चावल होते हैं ना उसमें ऐसे ही कलर आता है, तो फरारी चावल होते हैं, तो वही मैंने ना अभी धो के चढ़ा दिया है इसको फिर से। और इसमें कुछ नहीं डालना है, बस इसको ना उबाल लेना है अच्छे से पानी में, तो बस उसी को ही मैं पका रही हूँ। और ये जो छोटी सी पतीली आपको दिख रही है ना, और ये थाली छोटी सी है, बहुत प्यारी लगती है, ये बर्तन ना मेरे को छोटे छोटे, और ये प्लेट है, तो ये जो है ना ये व्रत के मम्मी का खाना बनाने के बर्तन हैं, तो इसी में मम्मी ना बर्तन मतलब खाना बनाती है व्रत वाला, जो भी नवरात्रे वगैरह का होता है या जो भी मतलब जो भी व्रत की मतलब पूजा के सामान होता है वो इसी में ही बनाया जाता है। तो वही मैंने इनको नहाने के बाद धो लिया था और फिर उसके बाद अभी मैं खाना बना रही हूँ। और चावल उबल जाएंगे ना तो यहाँ पर ना ये जो ये पत्ते हैं इसको ना कर्मी का साग बोलते हैं, कर्मी के साग के ये पत्ते हैं, तो इसको ना इसमें मतलब इन चावलों में डाला जाता है तो बहुत अच्छा होता है, मम्मी बता रही थी, तो वही मम्मी तोड़ के लाई थी हमारे यहाँ पर बाहर जो जगह है वहाँ पर मम्मी ने इसका पौधा मतलब लगाया हुआ है, तो उसी में से मम्मी ये पत्ते तोड़ के लाई है और ये ना मैंने तोड़ के डाल दिए हैं चावल में, और चावल भी बस अभी 5 मिनट में बन जाएंगे, तो इसको ना अभी थोड़ी देर के लिए ना मैं ढक के रख दूँगी ना, तो फिर चावल वो हो जाएंगे। तो अभी ना आज ना मैंने आलता भी लगाया था और मम्मी के भी लगाया था, तो मम्मी का जब व्रत व्रत होता है तो मैं उनके लगाती हूँ फिर अपने भी लगाती हूँ, और तो अब बड़े सुंदर लगते हैं मुझे पैर ही ऐसे। तो अभी चावल बस बन गए हैं, थोड़ा सा हल्का सा पानी है, तो फिर इसको ना मैं अभी थोड़ा सा कम आँच पे अभी मंदी आँच पे मैं रख दूँगी, वैसे ही लग गई चावल बन गया और अच्छे कितने लग गए ना चावल। तो इन चावलों को ना मम्मी दही के साथ खाएंगी, तो फिर उनका 4 बजे तक मतलब व्रत वो हो जाएगा, फिर अगले दिन मम्मी व्रत मतलब चलेगा मम्मी का अगले दिन तक व्रत। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।